हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने अपनी डोमिना के लिए एक प्रोडक्ट मंगाया ऑनलाइन, तो ये है प्रोपोलिस के नाम से। तो इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग और इसकी प्राइस है 499, और इसका कैसा क्या रिव्यू रहता है वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे और इसको यूज़ करके देंगे अपने डोमिनार पे। तो चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, तो करते हैं इसको अनबॉक्स पहले। अच्छे से 5-6 बूंद गिरा देंगे, उसके बाद देन पॉलिश को पूरे पे अप्लाई कर देंगे अच्छे से। टंकी पे अपने को सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्क्रेच इसी पार्ट से ज़्यादा आते हैं। तो अच्छे से इस पर पॉलिश करेंगे ताकि स्क्रेच जाने के चांस बहुत कम रहे। अपने पॉलिश लगा दिए। पॉलिश लगाने के बाद एक बार या तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर सूती, किसी भी सूती कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि जो थोड़े बहुत जैसे ये रेशे वगैरह दिख रहे हैं पॉलिश के वो हट जाएँ और पॉलिश ऐसे ऐसे इसके ऊपर आ जाए। उसके बाद इसके ऊपर एक दूसरा हाथ लगाना, क्योंकि टंकी पर दो हाथ लगाएंगे ताकि स्क्रेच वगैरह ना आए ज़्यादा। तो अच्छे से इस कपड़े से बिल्कुल क्लीन कर लेना ताकि ये कुछ भी ना दिखे ऐसा स्क्रेच वगैरह। भी ये पॉलिश कर देंगे, क्योंकि इस पॉलिश से मतलब फिर पानी नहीं रुकेगा इसके ऊपर, पानी जैसे भी आएगा वो नीचे निकल जाएगा। तो अगर इस पर अच्छे से पॉलिश कर देंगे तो ना तो स्क्रेच होंगे।
अभी सामने मुंह पे मरगार्ड पे और टैंक पे पूरी पे पॉलिश कर दिए और इसके ऊपर भी कर दिए। तो अब इसके देन पीछे का करेंगे, उसके बाद इंजन के ऊपर करेंगे एंड देन उसके बाद टायरों पे और रिम पे करेंगे। तो अब करते हैं पीछे से स्टार्ट, पीछे का मरगार्ड, साइलेंसर और ये टेल आईडी करने लग गए पीछे की साइड पॉलिश, तो यहाँ पे कर दिए एंड अब जो पीछे का मरगार्ड है इस पे रह गई है और ये जो रेड लाइट है। यहाँ पे पूरे पे पॉलिश कर दी है, उस साइड करनी है। तो ये देखिए आप पूरा क्लीन हो गया और जो कलर है पॉलिश का जो शाइनिंग है बहुत ही अच्छी आ रही है। जो पीछे की साइड था ये मरगार्ड, पीछे का मरगार्ड यहीं पे तो हो चुका है, जो ये पीछे का इंडिकेटर था इनपे भी हो गया और जो अब ये साइलेंसर बाकी है इस पर भी तो इसको भी चमका दिए। हल्के फुल्के माइनर स्क्रेच थे वो भी सारे क्लीन हो गए, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे अब। हाँ एक बात और, जो ये बिल्कुल छोटे छोटे स्क्रेच वगैरह थे ये कैमरे में नहीं दिखेंगे लेकिन आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन जो ये पॉलिश करने के बाद वो भी बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम से शोरूम में खड़ी थी उससे भी एकदम सुंदर लग रही है हमारी किस्मत। तो मेक बिल पे कर देते हैं पॉलिश, उसके बाद आगे वाले मेक बिल पे करेंगे। पीछे वाले पे कंप्लीट हो चुका है एंड आगे वाले पे भी करें, आगे वाले पे ध्यान रखना है कि आप डिस्प्ले को बिल्कुल ना करें क्योंकि डिस्प्ले हो गया तो फिर ब्रेक लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बस अंडरवेली पे पॉलिश कर देते हैं, ये बचा है लास्ट पार्ट इसका, काफी अच्छे से करेंगे क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा कीचड़ का दांत है और स्क्रैच होने के चांस सबसे ज्यादा है इस पे, इसलिए इसको निकाल के पॉलिश कर रहे हैं ताकि अच्छे से हर जगह पॉलिश हो जाए। ये भी काउल लगा दिए यहाँ पे और गाड़ी पे फुल पॉलिश कर दिए, तो आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं कितना शानदार आ रहा है। तो गाड़ी बिल्कुल शाइन मार रही है, बिल्कुल जैसे शोरूम में होती है उसी कंडीशन में शाइन मार रही है। हर जगह पॉलिश हो चुकी है और सभी जगह कपड़ा मार दिया है बाद में, अभी इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही रखना है, बिल्कुल इस पर कुछ भी नहीं करना है, 24 घंटे इसको बिल्कुल पॉलिश को सूखने देना है। उसके बाद इस पर अपन टेस्ट करेंगे कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, इस पर जैसे दिखाते हैं एड वगैरह में कि पानी गिर जाता है तो रुकता नहीं है, तो वो चीज़ भी अपन कल सुबह ट्राई करेंगे। आज इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे एज इट इज एंड देन उसके बाद कल इसके ऊपर सारा कुछ ट्राई करके देखेंगे और उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा कि आपको ये पॉलिश रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं। लुक वाइज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा साइन मार दी, नॉर्मल पॉलिश से ऐसी साइन कभी नहीं आती। तो आज 2 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इसको कोटिंग किए हुए और 2 दिन में ये बिल्कुल क्लियर फिट हो चुका है। तो अब इस पर टेस्ट करके देखेंगे अपन, इस पर पानी वगैरह डाल के देखते हैं कि कैसा क्या इसका असर रहता है। इस पर मिट्टी वगैरह तो बिल्कुल नहीं चिपक रही, जैसे ये मिट्टी दिख भी रही है तो एकदम ये साफ हो जाती है, अच्छे से हाथ लगाते साफ हो रही है, चिपक नहीं रहा है इस पर कुछ। इस पर ये देखेंगे अभी पानी कितना रुकता है, पहले एक गिलास डाल के देखते हैं इसको कैसा क्या रहता है। तो आप देख सकते हैं पानी रुक नहीं रहा है, इस पर सीधा ही नीचे जा रहा है, देख सकते हैं आप कैसे पानी ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, ना इस पर धब्बे बनेंगे, जैसे पानी की बूंदें रुक जाती है तो धब्बे हो जाते हैं, देखिए आप जैसे पानी को टच करेंगे हल्का सा तो ये साफ हो जाता है।
पानी रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी, डॉट डॉट बन के नीचे आ रहा है वो। तो वैसे ये कोटिंग काफी अच्छी है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप भी अपनी बाइक के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको जरूर लीजिए, जरूर से लीजिए, और ताकि अच्छे से बाइक पे स्क्रेच वगैरह बिल्कुल ना आए। और काफी अच्छा प्रोडक्ट है, पर्सनली यूज करके बता रहा हूँ मैं। और इससे जो हल्के फुल्के स्क्रेच वगैरह थे वो भी खत्म हो गए बिल्कुल बाइक में। और बाइक वैसे दिखने में जो नॉर्मल पॉलिश है उसके बजाय काफ़ी अच्छी दिख रही है, और बहुत कम मिट्टी चिपक रही है इस पर। तो आप सभी भी इसको ले सकते हैं, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और डोमिनार पे काफ़ी अपडेट आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।